क्लास 8 गणित चैप्टर 18 लेखा चित्र। हम लेखा चित्र के बारे में स्क्रैप पेपर कुछ समझते हैं। सबसे पहले ये जो आपका ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं दो रेखा है, इसका नाम के बारे में जानेंगे। ये लंबवत जो रेखा है उसको वाई अक्ष और नीचे लिखेंगे वाई डैश, यानी कि ऊपर पॉजिटिव, ऊपर जितना आएगा प्लस वाला मान देंगे और नीचे नेगेटिव वाला मान, और इसे देंगे एक्स अक्ष जो दाएं से बाएं रेखा है वो एक्स अक्ष, और इधर देंगे वाई एक्स डैश यानी कि नेगेटिव वाला मान देंगे। और जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है इसे हम कटान बिंदु बोलते हैं, और इस कटान बिंदु को मान नाम दे देंगे 0। ओ का आप स्थान बताएंगे, तो ओ का इसे हम लोग कटान बिंदु बोलते हैं, जहां पे दो सरल रेखाएं मिलती है उसे कटान बिंदु बोलते हैं। तो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु का नाम क्या है? ओ। अब ओ का स्थान क्या है? ओ का स्थान है 0 0, इसे हम ओ का स्थानांक भी बोलते हैं। ओ का स्थानांक क्या है? 0 0, यानी कि 0 से ही हमारा एक्स इधर छूट जाएंगे और 0 से ही वाई के तरफ जाएंगे, या 0 से ही एक्स के विपरीत जाएंगे या वाई के विपरीत जाएंगे। इसलिए ओ का स्थानांक क्या हो जाएगा? 0 0। ओ को हम लोग मूल बिंदु या मुख्य बिंदु भी कहते हैं। ओ को क्या कहते हैं? मूल बिंदु या मुख्य बिंदु। क्यों कहते हैं? क्योंकि जी यहां से ही हम वाई के अक्ष के तरफ या एक्स अक्ष के तरफ गिनना शुरू करते हैं, और वाई एक्स अक्ष को हम लोग भूमि कहते हैं और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। अब स्थानांक मूल बिंदु ओ का स्थानांक जो है 0 0, इसमें का पहला 0 एक्स अक्ष के लिए दर्शाता है और दूसरा 0 वाई अक्ष को दर्शाता है, मतलब दिखाता है। पहला 0 मतलब ये 0 0 में एक्स के तरफ नहीं बढ़ा गया है, और दूसरा 0 का मतलब क्या हुआ? कि मूल बिंदु से वाई अक्ष की तरफ नहीं बढ़ा हुआ है। इसके बारे में सबसे पहले रेने देकांत ने डेकार्ते ने बताया था, और उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसे क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। कार्टेशियन का सिद्धांत या कार्टेशियन पद्धति। अब मूल बिंदु के बारे में जान गए, वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में जान गए। अब हम कोई भी बिंदु कहीं पे भी लेके उसका स्थान निकालने की कोशिश करेंगे। मान लो ये बिंदु लिए तो इसका स्थान कैसे पता लगाएंगे, कौन सा स्थान है? फिर देखेंगे कि कोई अगर बिंदु का स्थान दिया हुआ है तो उस बिंदु को कैसे बैठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे साफ कर देते हैं। अब हम इन चारों भागों के नाम के बारे में जानते हैं, कौन कौन सा नाम है इसका क्या नाम है। जैसे ये भाग है, दूसरा ये भाग है, तीसरा भाग, ये चौथा भाग, इन सबों भागों को हम लोग पद कहते हैं। तो हो जाएगा प्रथम, द्वितीय, हो जाएगा तृतीय, और ये हो जाएगा चतुर्थ। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। प्रथम पद में क्या होता है? दोनों प्लस, मतलब एक्स का मान भी
प्लस वाई का मान भी प्लस, क्योंकि ये जीरो से, ये जो इसका स्थानांक है 0 0, यहाँ से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव दिशा में, वाई भी पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। और इस ठीक द्वितीय पद में क्या हो जाएगा, वाई पॉजिटिव में है लेकिन वह एक्स क्या है, नेगेटिव में है। तो पहले एक्स को लिखते हैं, इसलिए एक्स नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। अच्छा, कार्टेशियन जीरो का जो भी हम पद्धति निकालेंगे, जीरो का स्थानांक निकालेंगे, पहला स्थान जो आएगा वो एक्स के लिए आएगा, दूसरा स्थान क्या आएगा, वाई के लिए आएगा। ठीक है, तो एक्स पहला में प्लस होता है, दूसरा में नेगेटिव होता है, तीसरा में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं, और चौथा में क्या होता है, एक्स प्लस होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो चारों पदों के बारे में जान गए। अब हम कोई एक बिंदु लेंगे और बिंदु का स्थानांक निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई एक बिंदु ले लेते हैं इस जगह पे, और उसका नाम दे देते हैं हम P। तो P, A कोई भी नाम दे सकते हैं, चलो A दे देते हैं। इसका स्थान कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले एक A का स्थान बताने के लिए हमको X और Y दोनों का मान निकालना पड़ेगा। तो X कहाँ है, कितना है, तो X गिनेंगे यहाँ से 0, ये 0 था, 1 2 3 4 5, X का मान कितना आया, X बराबर 5, और Y का मान पता लगाएंगे, मतलब ऊंचाई कितना है, 1 2 3 4, y बराबर कितना आया, 4। तो a का स्थानांक क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5, 4, जहां x बराबर 5, y बराबर 4, a का स्थानांक निकाल दिए। अब हम सीखेंगे कि कोई अगर बिंदु का स्थानांक दिया हुआ है तो बिंदु को कैसे बैठाएंगे। चलो मान लो एक बिंदु ले लेते हैं ए, जिसका स्थानांक क्या दिया हुआ है, 5 और 8। इसका स्थानांक बताने के लिए एक्स बराबर कितना है, 5, वाई बराबर कितना है, 8। तो एक्स अक्ष पे गिनेंगे 5, तो 1 2 3 4 5। वाई अक्ष में कितना गिनना है, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा बिंदु। बिंदु ऊपर चला जा रहा है, इसको हम 8 की जगह पे 4 7 कर दे रहे हैं। तो हमारा बिंदु कहाँ जाएगा, यहाँ। इसका बिंदु का नाम दे देंगे 5 7। तो हमने क्या सीखा कि चारों अक्ष को क्या कहते हैं, चारों पद को क्या कहते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। उसको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा चौथा पद ऐसे ही बोल सकते हैं। दाएं से बाएं को बोलते हैं एक्स अक्ष, और बाएं से दाएं को, ऊपर से नीचे को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। पहला पद में दोनों प्लस होता है, दूसरे पद में एक प्लस एक्स माइनस वाई प्लस, तीसरा में दोनों माइनस होता है, चौथे में वाई एक्स प्लस और वाई माइनस होता है। किसी बिंदु, अगर कोई बिंदु दिया हुआ है उसका स्थान कैसे निकालते हैं, और कोई अगर स्थान दिया हुआ, स्थानांक दिया हुआ है बिंदु को, तो कैसे बैठाएंगे। लेखा चित्र और ग्राफ किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। लेखा चित्र या ग्राफ, बिंदुओं के स्थानांक जो हमने सीखा, भी स्थानांक कैसे किसको बोलते हैं, स्थानांक से लेखा चित्र पर बिंदुओं को बैठाकर जोड़कर जो चित्र बनता है ग्राफ पेपर में, ग्राफ पेपर, लेखा चित्र पेपर पे स्थानांक को बैठा कर जो चित्र बन, उन्हें जोड़कर, बिंदुओं को जोड़कर जो चित्र बनता है उसे लेखा चित्र बनता कहते हैं। और जो लेखा रेखांश, सरल रेखांश पाते हैं उसे रैखिक रेखा चित्र कहा जाता है। कोई बिंदु अगर एक्स एक्सिस पर हो, केवल ये लाइन पे, एक्स लाइन पे, एक्स अक्ष पे हो, तो उसका स्थानांक जब निकालेंगे, जब मान लो इसका नाम ए बी सी डी दे देते हैं, ए का स्थानांक निकालेंगे, तो ए का स्थानांक में एक्स का मान होगा और वाई का मान 0 होगा। जैसे इस ए बिंदु का स्थानांक क्या हो जाएगा, 1 2, ए की जगह 2 लिख देंगे, एक्स की जगह एक्स 2 और वाई 0। इस तरह बी का स्थानांक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 0, सी का निकालेंगे तो 4 0, और डी का निकालेंगे तो
5, 0। ठीक उसी तरह अगर y एक्सिस में हो कोई बिंदु, उसका स्थानांक निकाले तो x का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर इसका नाम देते हैं EFGH, तो E का स्थानांक हो जाएगा 0, 1, 2, y का वैल्यू 2। F का स्थानांक हो जाएगा 0, 3 और G का स्थानांक हो जाएगा 0, 4। उसी तरह H का स्थानांक हो जाएगा 0, 5। अगर y एक्सिस पे कोई बिंदु हो तो x का मान 0 होता है, और x अक्ष पे कोई बिंदु हो तो y का मान 0 होता है। स्थानांक में जो x और y होता है, इसे बिंदु का स्थानांक, तो y एक्सिस में अगर कोई बिंदु हो तो y का मान आएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह वो अगर x एक्सिस में हो तो x का मान आएगा और y का मान हो जाएगा 0। आप पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर नेगेटिव में हो तो नेगेटिव हो सकता है। उसी तरह x एक्सिस में भी, y एक्सिस में भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगले वीडियो में हम स्वयं करें 18.1 का हल करेंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।